नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक निगम है और आप देख रहे हैं पाप की बात। दोस्तों, दुनिया भर के लिए कोरोना वायरस खतरा बना हुआ है। अब इस कोरोना वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि अब तक कोरोना वायरस के भारत में 29 केसेस पॉजिटिव मिले हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस भारत में अब तेजी से धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसको लेकर सरकार भी प्रिपेयर्ड है, पर इस महामारी को रोकने के लिए सरकार कितना तैयार है और ये कितना आसान होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें कि इसी बीच सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है। इस अफवाह को कुछ राजनेता और कुछ धर्मगुरु भी फैला रहे हैं। जी हाँ, आसाम से बीजेपी MLA सुमन हरिप्रिया ने कहा कि कोरोना वायरस गाय के गोबर और गाय के पेशाब से ठीक हो जाएगा। वैसे नेता लोगों का तो काम ही है अफवाह फैलाना, लेकिन अब हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपनी महाराज ने भी कहा कि अब कोरोना वायरस इंडिया आ चुका है और अब चाय पार्टी की तरह गौमूत्र की भी पार्टी होगी। वैसे आपको बता दें कि जानकारों और आयुर्वेदिक डॉक्टरों का मानना है कि अभी तक कोरोना वायरस पर ऐसा कोई रिसर्च आयुर्वेद में नहीं हुआ है। और तो और, गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाए ये कहना अभी काफ़ी मुश्किल होगा। वैसे आपको बता दें कि गौमूत्र का यूज़ आयुर्वेद में काफ़ी बार होता है, लेकिन ये आमतौर पर आदमी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड इशू के लिए होता है, किसी भी वायरस या संक्रमण में इसका यूज नहीं होता है। दोस्तों, कोरोना वायरस के इस महाजाल से कोई भी नहीं बच पा रहा। अब इसी महाजाल में बॉलीवुड के नामी एक्टर अनुपम खेर ने भी एक वीडियो जारी करके कोरोना वायरस से बचने के आसान उपाय बताए हैं। आप देखिए ये वीडियो। माय फ्रेंड्स, इन दिस एटमॉस्फेयर ऑफ कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड, आई फील द बेस्ट वे टू ग्रीट ईच अदर इज टू नॉट शेक हैंड्स बट टू गो बैक टू traditional Indian way of greeting, to say namaste, just put your hands together so you don't get infected, you don't have this fear of getting any infection. This is just an idea. So namaste is much better. It also puts your energies together rather than shaking hands or hugging each other for some time. I think it's important that we are careful, and so namaste. ऐसे लोग हैं जो ऐसी public health emergency में भी खुद की publicity करना नहीं भूलते। वैसे क्या लगता है आपको, नमस्ते करने से या गौमूत्र का सेवन करने से क्या कोरोना वायरस ठीक हो सकता है? हमें बताइए कमेंट करके, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फॉलो न्यूज़ इंडिया।